जय माता दी भक्तुम। आज का जो वीडियो है ये आप टैगलाइन से समझ गए होंगे और मैं इसमें आपको पूजा की वास्तु टिप्स देने वाला हूँ। और ये ऐसी वीडियो है जिसमें आप अगर जाने अनजाने ये गलती कर रहे हो ना तो उसे तुरंत सुधारना है, आपसे विनती है। वीडियो पूरा सुनना है, समझना है और तुरंत अगर आप वो चीज़ें आपको दिख रही हैं उस चीज़ में मंदिर में अगर ये चीज़ें हैं तो या तो देखो कहीं बाहर हो तो माँ बाप को बोल दो और आप वहीं हो तो तुरंत उसको बदल दो, ठीक है। तो जो भी रिश्तेदारों का, जो भी भाई बहनों का, जितने लोग मतलब आपके संपर्क में और आपने किसी के भी मंदिर में ऐसा कुछ देखा है तो उनको तुरंत बता दो। हो सकता है उनके बुरे दिन चल रहे हों या बुरे दिन आने वाले हों उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि पूजा स्थल पर अगर भूल के भी आपने ये चीज़ें रखी है ना तो मैं आपको बोल रहा हूँ आपके बुरे दिन आने शुरू हो जाएंगे, बहुत ख़राब समय आ जाएगा। मैं माता रानी माँ भगवती माँ डाट काली से यही विनती करता हूँ कि कभी किसी के जीवन में ऐसे बुरे दिन ना आए, कोई संकट ना आए, परंतु जाने अनजाने ना हम ये गलतियाँ कर देते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद है कि इन गलतियों को सुधार करें और जो भी इस पूजा पाठ में और सनातन धर्म में और भगवती पे विश्वास करता है ना तो वो ये कार्य ज़रूर करेगा, मुझे उम्मीद है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि पूजा स्थल से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। वजह यह है कि पूजा स्थल पर किए गए मंत्रों के उच्चारण और दीपक की रोशनी के आसपास भी पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बना रहता है। दीपक अगर हर घर में जलता है ना सुबह शाम तो आपके घर में वैसे ही सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि दीपक हमेशा घर पे जलाना चाहिए और दो टाइम आपको ज़रूर जलाना चाहिए, एक सुबह और एक शाम। कोशिश करो कि पूरे दिन वही वाला दीपक ना जलता रहे, थोड़ा सा ज़्यादा भर के तेल मत डालो, थोड़ा सा तेल डालो ताकि वो थोड़े समय के लिए जले और फिर अपने आप शांत हो जाए ताकि शाम को आपको एक नया दीवा जलाना पड़े। हालांकि पूजा स्थल या उसके आसपास रखी गई कुछ चीज़ें घर में नेगेटिव एनर्जी को फैलाने का काम करती हैं। यही नेगेटिव एनर्जी घर में लड़ाई झगड़े का कारण बनती है, कले गलेश का कारण बनती है और कभी कभी तो स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है ऐसा लगता है परिवार टूट गया या टूटने वाला है, या बिल्कुल ही मतलब हम समझ ही नहीं पाते होगा तो हुआ क्या हमारे साथ। ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार जानते हैं कि घर के पूजा स्थल पर किन चीज़ों को रखना अशुभ साबित होता है। अब मैं आपको वो सब चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके घर में अशुभता ला सकती हैं, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकती हैं, आपको परेशान कर सकती है, परेशानी में डाल सकती हैं। घर के पूजा स्थल पर अव्यवस्थित रूप से रखी गई चीज़ें नेगेटिव एनर्जी का कारण बनती है। ऐसे में हमेशा ये ध्यान रखें कि पूजा स्थल पर मौजूद पूजन सामग्रियों को व्यवस्थित ढंग से रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके साथ ही अगर मूर्तियों पर धूल जम गई है तो उसे तुरंत साफ कर दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार प्रवाहित होगा और परिणाम स्वरूप घर में सुख शांति का माहौल कायम होगा। तो नेगेटिव एनर्जी अगर आपकी चीज़ें मंदिर में अस्त व्यस्त पड़ी है, बहुत मैसी हो रखा है, सब कुछ फैला हुआ है और आप खुद ही देखकर ये बोलोगे कि भैया साफ़ सुथरा नहीं है, मतलब ठीक नहीं लग रहा है, घिचपिच लग रहा है, तो आपको खुद जब नेगेटिव वाइब्स आएंगी तो फिर तो वो नेगेटिव वाइब्स अपने आप प्रकट हो जाएंगे और फिर घर पे नेगेटिविटी ही फैलाएंगे। तो आपका पूजा स्थल आसपास की चीज़ें साफ़ सुथरी और व्यवस्थित होनी चाहिए, सही ढंग से रखी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूर्ति किसी का मुँह इधर रखा है, किसी फोटो का मुँह नीचे गिरा हुआ है, ऐसे नहीं। माला अच्छे से पहनाए रखें और जो भी तिलक वगैरह करें साफ़ सुथरी तरीके से करें, दिया बाती को हर समय उसके पूजा के जो बर्तन है उसको साफ़ सुथरा रखें। अगली जो चीज़ है वो है वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पूजा स्थल पर भूल कर भी, ध्यान रहे, भूल कर भी जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि पूजा स्थल के आसपास जूते चप्पल रखने की कोई जगह ना हो। दरअसल ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। अगर आप घर के आसपास जहाँ पर मंदिर है उसी के आसपास कहीं जूता स्टोर या फिर जूते रखते हो ना अपने, तो आपके तो खुद ही बाहर से जितनी नेगेटिव एनर्जी लाओगे आप और वो घर में बढ़ती जाएगी। और पूजा के समक्ष आप ये चीज़ें करोगे या रखोगे तो ये बिल्कुल पाप स्वरूप है। तो आप ऐसा कार्य ना करें, जूते चप्पल बिल्कुल कोसों दूर रखें जहाँ पर आपका मंदिर है या मंदिर का एरिया है। इसलिए बोलते हैं घर के अंदर मंदिर नहीं होता, क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ें हम कर ही नहीं पाते। अब आगे जो मैं कुछ और जानकारी दूँ आपको, उससे पहले मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे वीडियो सुन रहे हैं और अगर कोई भी आप हों या आपके रिलेटिव हों, दोस्त हों,
कोई भी संगी साथी हो, तो आपको क्या करना है, अगर आपके जीवन में कोई भी संकट परेशानी चल रही है और उसका निवारण नहीं मिल रहा, जगह जगह जा जाकर थक चुके हो, बहुत पैसे लगा के थक चुके हो, कुंडली बनवानी है, दिखवानी, कोई महादशा है, दोष है, पितृदोष, मंगल दोष, राहु के दोष, महादशाएं हैं, शांत नहीं हो रहे हैं, आपको प्रगति नहीं मिल रही है, उन्नति नहीं मिल रही है, कर्जा उधारी बहुत है, रुका हुआ धन, फंसे हुए पैसे, कष्ट क्लेश, विपदा, संकट, जो भी घर की परेशानी है, तलाक की सिचुएशन है, लव मैरिज का चक्कर है या प्यार का कोई चक्कर है, वशीकरण का कोई रीज़न है, तो जैसी भी प्रॉब्लम है, जो भी संकट है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये नीचे आईडी दिख रही है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, मेरे सारे चैनल इस नाम से हैं, मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है अभी फ़िलहाल, और ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के माध्यम से आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, इंस्टा कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हो, अपने सवाल पूछ सकते हो। एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद अपॉइंटमेंट फिक्स करा जाएगा और निर्धारित समय पर आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, फिर आपके सवाल सुने जाएंगे, समझे जाएंगे और उसके आधार पर आपको उपाय या रास्ते बताए जाएंगे। तो जैसे अभी प्रॉब्लम होगा, पूरी कोशिश करी जाती है 100% आपको सॉल्यूशन मिले, आपके रास्ते खुल जाएं, आपकी परेशानी दूर हो जाए। ठीक है, अब आगे मैं जानकारी दे देता हूँ, जैसा मैंने बताया कि टॉपिक जो है उसके आधार पर मैं आपको और जानकारी दे रहा हूँ, जो कि ये है कि कभी भी वास्तुशास्त्र भी देखें तो कभी भी वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पूजा मंदिर में देवी देवताओं की टूटी फूटी हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। दरअसल पूजा स्थल पर मौजूद टूटी फूटी मूर्तियां शुभ फलदायी साबित नहीं होती, वो खंडित होती हैं, और पूजा स्थल पर टूटी फूटी मूर्तियों के होने से नकारात्मक ऊर्जा कभी पीछा नहीं छोड़ती। तो जब आप मंदिर में ही सब कुछ अस्त व्यस्त रखोगे तरीके से, जब भगवान को ही नहीं रख सकते, तो आप खुद कैसे खुश होगे और कैसे उम्मीद कर सकते हो कि भगवान आपके लिए कुछ करेंगे, है ना। तो मंदिर हमेशा स्वच्छ रखें, मूर्ति टूटी फूटी ना रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। और अगला जो कारण है वो है घर के जो पूजा मंदिर है आपके, उसमें चमड़े से बनी कोई भी वस्तु कभी नहीं होनी चाहिए। अगर शास्त्र के अनुसार देखें तो ये घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लाती हैं, साथ ही ये मंदिर के वातावरण को भी दूषित करती हैं। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चमड़े से बनी कोई भी चीज़ ना आप प्रयोग में लाएं, जब आप पूजा करते हैं तब खुद भी चमड़े से बनी चीज़ को आप ना पहने, ना यूज़ करें, और अगर है आपके पास थोड़े समय के लिए उसे दूर रख दें, और अपने पूजा घर में भी इस चीज़ का खास ही ध्यान रहे। जहाँ से नेगेटिविटी ऊर्जा या नेगेटिव ऊर्जा प्रकट हो सकती है, आप उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करोगे और बोलोगे हमारे तो पूजा का फल ही नहीं मिलता इतना करने के बाद, तो कहीं ना कहीं आप गलती करते हो। इसलिए पूजा करना कोई हलवा बनाने जैसा आसान काम नहीं है, उसमें भी मेहनत लगती है, उसमें भी सोच विचार लगते हैं, हर कोई, हर भगत, हर एक पंडित सोच समझ के मंत्रों का उच्चारण करता है, अपने ज्ञान का प्रयोग करता है, और तभी जाके वो चीज़ फलीभूत होती है। तो वो इसलिए फलीभूत होती है क्योंकि उनको वो विद्या है। तो अब हम अगर घर में वो काम कर रहे हैं तो हमें भी उस चीज़ की विद्या होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, उस हिसाब से आपको अपनी पूजा को करना चाहिए। कैसा भी भोग, कैसी भी कुछ भी चीज़ ला के रख दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, सोच समझ के। अगर आपको लगता है ये भोग आप प्रतिदिन दे सकते हो या आप समय समय पे दे सकते हो या भोग प्रसाद आप लगा सकते हो, तो ही ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ पर, क्योंकि वो भगवान है, भगवान सब जानते हैं, हम मानते हैं, और जब हम मानते हैं तो हम उनके लिए दिल से करते हैं, तो दिल से की हुई चीज़ हमेशा आपकी स्वीकार होती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि दिल से आपको सारी चीज़ों को करना है और दिल से साफ़ सफाई रखनी है। दिल से आप जब खुद को आप पॉजिटिव रखेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो एक और रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है अगर घर के पूजा मंदिर के आसपास डस्टबिन रखा है तो वो भी बहुत अशुभ माना गया है, क्योंकि डस्टबिन जहाँ पर कूड़ा आप जमा कर रहे हो, और जहाँ कूड़ा होगा ना वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं आएगी, गंदगी में लक्ष्मी कभी आती ही नहीं है। दरअसल ये घर में नकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करता है, और ऐसे में पूजा स्थल को हमेशा साफ रखना चाहिए और उस स्थान को गंदा करने से बचना चाहिए। जितना आप गंदा करोगे, जितना आप गंदा रखोगे, जितनी आप साफ सफाई नहीं रखोगे, धन संपदा की प्रगति होगी ही नहीं, कर्जा उधारी आपकी बेबात की बढ़ती रहेगी, रोग दोष घर से जाएंगे नहीं, सारा पैसा दवाई पे लगेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आपने इन चीज़ों का ध्यान रख लिया तो आपको आधा फल तो ऐसे ही मिल जाता है। हमेशा एक और चीज़ का ध्यान रखना, और ये गलती हम करते हैं, कोई भी कर सकता है और कर रहे होंगे, जब आप दिया जब आपका जलता है ना तो आप देखते हो जब वो शांत हो जाता है, पूरा तेल ख़त्म हो जाता है, दिया की बाती का राख जैसा कुछ सूखा सूखा उसमें बच जाता है और आप उसी में दोबारा दिया जला देते हो। ये गलती बहुत अशुभ माना जाता है, ये भी अच्छा नहीं होता, घर के लिए नुकसानदेह होता है, वास्तु के लिए नुकसानदेह होता है, आपकी धन संपदा, आपके रोगों के लिए, फिर वो सब नेगेटिव
ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाएगा। हमेशा जब भी सुबह अगर आपने दिया जलाया, वो शांत हो गया, तो उसमें जो सूखा रह जाए रुई का, वो साफ़ करना है। अच्छे से किसी साफ़ कपड़े से आप दिए को साफ़ कर दो, फिर उसमें नई बाती लगाओ, फिर उसमें नया तेल डालो और फिर उस दीप को प्रज्वलित करो। तो ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देता है, आपके घर में कष्ट नहीं आने देता, रोग नहीं आने देता, ठीक है। तो इसके अलावा अगर वीडियो आपको ना पसंद आया तो कमेंट में जय माता दी लिख दो, और बाकी कैसा भी संकट परेशानी है तो तुरंत अपॉइंटमेंट लिख के संपर्क कर लो। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।